हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? लीजिए, प्लस वन में हम कर रहे थे रूल्स फॉर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के नियम क्या है, कैसे करते हैं, उस पर हमारा फोकस था। हमने कहा था पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट दो हिस्सों में बांटते सारे खातों को। प्लीज, जिस बच्चे ने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर देखे, ये तभी देखे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है देखने, कोई फायदा नहीं है। कारण क्या है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो पर्सनल अकाउंट, वो खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी आदि के नाम से हो, ये हमने पर्सनल कहे थे। जैसे उदाहरण था G SSS 7 रोड खुर्द हिसार, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ब्रांक्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह। इसी तरह फिर इम्पर्सनल दो हिस्से थे, एक रियल था एक नॉमिनल था। रियल था कि ऑल अकाउंट्स, जो कोई भी खाता जिसमें जिसको हम मुद्रा में नाप सकते हैं, और वो संस्था की प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो। और एक और बताया था कि सारी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को हम रियल अकाउंट्स में लेते हैं, सिवाय उसमें डेटर नहीं लेते, क्योंकि डेटर देनदारों से बनते हैं, इस व्यक्तियों से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया था। फिर हमने कहा था इसमें कैश अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट वगैरह वगैरह। इससे आगे था नॉमिनल अकाउंट, जो नाम मात्र खाते होते हैं, ये हमें लाभ या हानि दर्शाते हैं। इट शोज प्रॉफिट और लॉस। तो लाभ हानि में अकाउंट्स विच रिलेट्स टू इनकम और एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, जैसे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, वेजेस अकाउंट, मजदूरी खाता, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, बैड डेट्स एटसेट्रा, ये हमने इसे पिछले लेक्चर में कर लिया था, इसलिए मैं नहीं समझता कि इसे बार बार हमें करना चाहिए। अब इससे आगे आते पर्पस। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिटाकर चलूंगा, इन खातों का पर्पस क्या है। मैंने आपसे क्वेश्चन छोड़ा था पीछे आपके लिए, पर्पस आपसे कहा था, ये मेरी तीन लिस्टें हैं, लिस्ट नंबर वन, लिस्ट नंबर टू, लिस्ट नंबर थ्री। मैंने तीन लिस्ट बना ली, पर्सनल की अलग, रियल की अलग, नॉमिनल की अलग, और तीनों जेब में रख ली। गलती से मेरी एक लिस्ट गुम हो गई, पर्सनल अकाउंट्स की, ये वाली लिस्ट गुम हो गई। कौन सी लिस्ट गुम होगी? जिसमें लोगों के नाम थे, लोगों के या कंपनियों के या संस्थाओं के, ठीक है, उनके नाम थे और वो गुम हो गई। बताओ मुझे क्या दिक्कत आने वाली है, बताओ क्या दिक्कत आएगी मुझे? मुझे दिक्कत आएगी मैं किसी से पैसे कैसे मांगूंगा? जिन लोगों से पैसा लेना था वो लोग ये हैं, संस्थाएं हैं, लोग हैं। अगर यही गुम हो जाए तो मैं किसी से कैसे कहूंगा भाई आपने इतने पैसे देने? वो कहेगा लाओ हिसाब दिखाओ। कहां से दिखाऊंगा, है कि नहीं? पुरानी फिल्मों में एक जो डाकुओं की फिल्म हुआ करती थी, बहुत पुराने टाइप की फिल्म है, कभी अगर आपने कभी किसी फिल्म में गौर किया था, तो एक डाकू गांव में पूरे ग्रुप के साथ, गैंग के साथ डाका मारने आता है, और सेठ जी की तिजोरी में जो गहना होता है वो तो चलो ले जाते हैं, साथ के साथ उसकी कुछ किताबें होती है, वो लाल सी किताबें, जो बही किताबें, ऐसे बही खाते ऐसे उल्टे करके रखे होते हैं, और किसी कपड़े में लपेटे होते हैं, उस जमाने में ऐसे ही चलता था। तो उनको निकाल कर और वो बाहर नीचे गिर के मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने लगा। साहूकार यानी जो सेठ जी था वो डाकू के पैरों में पड़ गया। सेठ जी कहता, डाकू जी आप इस गहने ले जाओ, कोई बात नहीं, जो गहने हैं सोना है चांदी, लेकिन ये किताबें मत जलाओ, ये किताबें मत जलाओ। क्यों भाई? क्योंकि इन किताबों में पूरे गांव का हिसाब किताब है, किससे क्या लिया क्या दिया, सब कुछ उसी में होता है। अरे भाई, गहने तो थोड़े हो सकते हैं, लेकिन हिसाब किताब तो पता नहीं कितना लंबा चौड़ा हो सकता है। इस बात से जाहिर होता है कि खातों की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यदि ये गुम हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है? हमें प्रॉब्लम आने वाली है हमें किसी से क्या लेना है क्या देना है। तो हमारा पर्पज है किसी से
क्या लेना है अथवा क्या देना है, यह पता करते थे। हमारा उद्देश्य क्या होता था, किसी से क्या लेना और क्या देना है। अगर हमारी ये लिस्ट गुम हो जाए तो हमें यह दिक्कत आ जाएगी, किससे क्या लेना और क्या देना है। इस लिस्ट की बात करें रियल की, अगर रियल की लिस्ट गुम हो जाए, कैश, लैंड, फर्नीचर, प्लांट, ये गुम हो जाए तो मुझे क्या दिक्कत आने वाली है। क्या किसी से क्या लेना देना है? नहीं भाई, लेना देना के लिए तो ये है। तो ये से क्या दिक्कत आएगी मुझे? इससे मुझे ये दिक्कत आएगी, मेरे पास क्या चीज है, कितनी है, मेरे पास लैंड बिल्डिंग कितनी है, मेरे पास कैश कितना है, फर्नीचर कितना है, प्लांट कितना है, या कितना प्लांट आया कितना गया, ये चीजें दिक्कत आ जाएगी। इसलिए यहां पर इसका जो पर्पज रह गया, मिटा दो ना थोड़ा सा एरिया, तो यहां पर जो इसका पर्पज हो जाएगा, पर्पज इनका जो उद्देश्य होगा वो होगा क्या आया अथवा क्या गया। इसको अथवा को पीछे लिख देता हूं, अथवा क्या गया, क्या आया या क्या गया, ये मुझे दिक्कत आएगी, यानी मेरे पास कौन सी चीज कितनी। ठीक है बेटे। तीसरी बात, अगर मेरी नॉमिनल की लिस्ट गुम हो जाए, ये भी पड़ी है ये भी पड़ी है, लेकिन नॉमिनल की गुम हो जाए तो मुझे क्या दिक्कत आने वाली है। थोड़ा सा मिटा दे, इसमें भी जगह छोड़ दे। इससे दिक्कत यह आने वाली है कि जो मैं कर रहा हूं बिजनेस, उसमें मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ये बताएगा लाभ अथवा हानि जानने के लिए इसका पर्पज। इनका जो उद्देश्य है लाभ अथवा हानि जानने के लिए। देखिए बेटा, अरे अलग अलग का अलग अलग मतलब है बच्चे, ठीक है। इनका मतलब है किसी से क्या लेना देना है, इनका मतलब है क्या आया या क्या गया, और इनका मतलब है लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ अथवा हानि जानने के लिए। हमने समझ लिया बेटा ये कि हर एक का अलग अलग मतलब है, तभी तो हम इसके हिसाब से ही तो आगे नियम चलेंगे। चले फिर अब आगे, अब ये लिस्ट में मिटा देता हूं। इसका जो रूल बनता है बेटे, रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बना, इस उद्देश्य में ही हमारा रूल छुपा हुआ है। इस उद्देश्य में, हर एक में रूल, हम रूल के रूल छुपा हुआ है। किसी से क्या लेना है या क्या देना है, तो ये सूत्र है इसका डेबिट। अब डेबिट, अब तो याद हो गया होगा, DEBIT ना बोल के DR बोल देते हैं, डॉक्टर नहीं बोलना, डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट दी गिवर। रिसीवर किसको कहते हैं? प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, ठीक है बच्चे। गिवर देने वाला, गिवर देने वाला, लीजिए गौर करो। क्या गौर करना है? जो आपको मैंने ये लिस्ट बताई थी, याद है लिस्ट, राम श्याम कैपिटल ड्राइंग्स बैंक अकाउंट, है ना, याद आया? कंपनी का नाम था, गवर्नमेंट स्कूल्स का नाम था, किसी का भी संस्था का नाम था। अगर 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 गौर करना, यहीं से शुरुआत होती है, जो गड़बड़ होती है ना वो भी यहीं से होती है, जो समझ आती है वो भी यहीं से आती है।
अगर मेरा पर्सनल अकाउंट हो कोई जो मैंने इस लिस्ट में डाले थे, तुम्हें मिल जाए ये पर्सनल है, कंफर्म है, तो उस पे नियम लगेगा ये, क्या अगर वो व्यक्ति, क्योंकि या तो व्यक्ति है या वो संस्था है ना, तो उनको सबको व्यक्ति मानते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति रिसीवर है, वो संस्था कंपनी रिसीवर है, तो उसे डेबिट कर दो, तो उसे डेबिट कर दो, और अगर गिवर है तो उसे क्रेडिट कर दो। न्याय समझ में? छोड़ो, आओ दोबारा। फॉर एग्जाम्पल, आप तो याद हो गया होगा, फॉर इजी, फॉर एग्जाम्पल वी पेड 100 rupees टू राम, हमने राम को 100 rupees दिए। हमारा टॉपिक चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम, मैंने आपको बताया था हर समय दो खाते इफेक्ट करते हैं, ये तो मान गया। कौन से दो खाते करते हैं मुझे यहां पर लिख लेना चाहिए, कौन से दो खाते। एक और चीज, अकाउंट्स बहुत आसान है, पता है कैसे, कल्पनाएं करके चलो, देख के चलो, मतलब एक दिमाग में चित्र बनाओ, फिल्म बनाओ। देखिए कैसे, हमने राम को 100 rupees दिए, वी पेड 100 rupees टू राम, कैसे देते, कोई राम आया जेब में से पैसे निकाले या तिजोरी में से पैसे निकाले, राम ये आपके पैसे, ऐसे दे देते हूं, यही तरीका है ना देने का, कैसे, पैसे निकाले, राम ये पकड़ भाई आपके पैसे, ठीक है। तो दो खाते कौन से असर करेंगे, एक जब तिजोरी में से निकालोगे तो आपका कैश गया कि नहीं गया बेटे, यस, एक तो आपका बनेगा कैश अकाउंट, कौन सा बनेगा, कैश का खाता। इस वक्त कौन से दो खाते असर करेंगे, एक तो कैश का, दूसरा आपने राम को दिया है इसलिए राम अकाउंट बनेगा, एक बनेगा राम से अकाउंट, यस बेटे, ये क्लियर हो गया कि हम जब राम को 100 rupees देंगे तो दो खाते बनेंगे, एक राम को देना है और दूसरा कैश जाना है, क्लियर। जो कैश अकाउंट है वो मेरी कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आता है रियल अकाउंट्स में, यहां पे था ना रियल में कैश, याद आया आपको, कैश इसमें था, और राम कौन सा था, वो पर्सनल था, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। क्या कहा मैंने, हमने राम को 100 rupees दिए तो दो खाते बनेंगे, कैश का और राम का बनेगा, फिर मैंने कहा कैश का रियल होता है और राम का पर्सनल होता है, तो मैंने आपको कौन सा रूल सिखाया, सिर्फ पर्सनल का, रियल का तो सिखाया नहीं, इसलिए इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कैश, क्यों, मैंने आपको सिखाया नहीं, आपको पता ही नहीं, तो कौन सा पता है, राम का, राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना, इसी लिस्ट का है ना, पकड़ो इसको, राम को पकड़ लो, मजबूती से पकड़ना। अगर राम इस वक्त रिसीवर है, अगर राम इस वक्त रिसीवर है तो राम को कर दो डेबिट, और अगर राम इस वक्त गिवर है, राम दे रहा है, तो राम को कर दो क्रेडिट। अब एक ही टाइम में तो यूं नहीं हो सकता, देने भी लेना भी, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक ही काम होगा, तो बताइए हमने राम को 100 rupees दिए, ये खड़ा राम, हमने दिए पैसे, लो राम, तो राम इस वक्त, इस वक्त, पीछे की बात नहीं कर रहा, आगे की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा, अभी अभी क्या हो रहा है, राम रिसीवर है, गिवर है, बताओ राम ले रहा है या राम दे रहा है, दे तो हम रहे हैं, ले कौन रहा है, राम, तो राम रिसीवर हुआ ना, तो राम रिसीवर है इसलिए राम को क्या कर दो, डेबिट। फिर से समझे, अगर राम इस वक्त, इस वक्त, इस वक्त, इस वक्त, भविष्य की बात बाद में, पीछे की बात बाद में, अभी की, अगर इस वक्त राम रिसीव कर रहा है तो डेबिट कर दो, और अगर राम गिव दे रहा है, गिव दे रहा है तो क्रेडिट कर दो, तो राम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो राम को क्या करूंगा मैं, डेबिट, और अगर मैं इसे डेबिट करूंगा तो अपने आप ये क्रेडिट हो जाए, ये क्रेडिट। अब देखिए कैसे करते हैं, यहां पे लिखेंगे बेटे, राम को डेबिट करना है तो ऐसे लिखते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट, बाद में मैं
अपोस्ट्रोफी एस और अकाउंट को काटूंगा अभी शुरू में समझाने के लिए। राम्स अकाउंट डेबिट, और 100 रुपए की बात है इसके सामने 100 रुपए, ठीक है। और जो गिवर है कैश के बारे में तो कहा नहीं, तो कैश को क्या कहा था मैंने, क्रेडिट कर दो। तो क्रेडिट करने वाले को थोड़ा सा पीछे, अभी थोड़ा सा में गड़बड़ होता है। जैसे क्या मैंने कहा था कि भाई ये 100 ग्राम डालो, ये 200 ग्राम डालो, ये इतना करो, ये इतना, लास्ट में कहता है नमक स्वाद अनुसार। अब जिसने कभी नमक ही ना डाला हो तो स्वाद में तो क्या पता, इतनी मुट्ठी भर के कहते शायद इसी में स्वाद आता हो, है ना, क्योंकि जो स्वाद में कह दिया वो तो हमारे हाथ में छोड़ दिया। तो अगर मैं आपके हाथ में छोड़ दूं कि थोड़ा सा पीछे, तो मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे तो मेरा कहना मानते हैं और कुछ मेरा कहना नहीं मानते। वो पता नहीं सुनते नहीं है या जान के ऐसा करते हैं, ये मैं नहीं बता पा रहा। देखिए बेटा क्या कह रहा हूं, आप ये दो पॉइंट छोड़ दीजिए, आर और ए, ये दो डिजिट बोलते हैं ना इनको, ये छोड़ दीजिए। तो यहां से तीसरे से चालू कर दीजिए, जैसे एम है ना तीसरा, इसके नीचे से टू कर दो। ना तो आपने इसके नीचे शुरू करना, ना इसके आगे करना, ना बहुत पीछे करना। मैं आपके हाथ में छोड़ ही नहीं रहा कि नमक स्वाद अनुसार, नहीं छोड़ रहा, बस थोड़ा सा पीछे से, यानी दो अक्षर पीछे, आर और ए दो अक्षर छोड़ दिए, वहां से टू कर दिया, बस याद है, टू और कैश अकाउंट 100 रुपीज। अभी परफॉर्मा बाद में बनाएंगे, पहले ये पकड़ लें इस बात को कि राम को डेबिट किया जाएगा और टू कैश किया जाएगा। और इसके नीचे एक नरेशन लिखी जाती है, मैंने कहा था थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी पड़ती है, वो ये है। देखिए आपको ये पेपर में क्वेश्चन में मिलेगा, वी पेड 100 रुपीज टू राम, इसी से आपने कुछ इसकी हेल्प लेके कुछ अपना दिमाग लगा के काम कर देना है। नरेशन में लिखना है कि क्या हुआ, ये क्या था, इसमें लिख देंगे पेड टू राम, और चाहे कैश पेड टू राम चाहिए यू कर दो, कैश पेड टू राम, रुपये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रुपये तो सामने लिखा ही है। ये नरेशन बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, नरेशन। नरेशन माने होता है बताना, समझाना। कई बार ना राम टू कैश दो बार हो जाता है, मतलब दो बार मतलब ऐसा ही एक और हो जाता है, लेकिन वो किसी और वजह से होता है, ये किसी और वजह से होता है, तो उसकी वजह को बता देना ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो ब्रैकेट में नरेशन लिख देते हैं, ठीक है। लो जी यार एक लाइन लगा देते हैं, खत्म हो गया आपका, ठीक है बेटा, क्लियर। अभी तो ये सब, अब हम चलते हैं, इसको मिटा दो थोड़ा सा, रियल का क्या पर्पज बताया मैंने अभी आपको, क्या आया या क्या गया, है ना। तो इसका जो रूल है वो है रूल इसका, ये आपको जो आपका रजिस्टर बनाओगे ना उसको सबसे पहला पेज बनेगा, अंदर की साइड से फ्रंट पेज पे ही एक रूल, दो रूल, तीन रूल, तीनों रूल चिपका देना, और दूसरा चिपका देना यहां पे, जितनी जल्दी चिपका सको उतनी जल्दी चिपका दो, और जब चिपक जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलें, तो रूल है क्या आया क्या गया, तो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थोड़ा दूर कर देता हूं, कम्स इन जो अंदर आया, कहां अंदर, संस्था में, जो हमारा बिजनेस है उसमें आया, ये भी आना हुआ, ये भी आना हुआ, ये भी आना हुआ, ये भी अंदर की तरफ जो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन जो आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो बाहर गया, जो बाहर गया, जो बाहर गया। एग्जाम्पल पकड़े, फॉर एग्जाम्पल वी पेड
100 rupees to Ram. मैंने वही का वही दे दिया. वी पेड 100 rupees टू राम. वी पेड 100 rupees टू राम. कुछ भी फर्क नहीं किया. बस फर्क इतना है, पहली बार मैं राम को पकड़ के चला था, अब की मैं दूसरे अकाउंट को. बताना कौन से दो खाते इफेक्ट करते हैं. इधर भी मिटाई देता हूं, उनको जगह खा बच जाएगी मेरे पास. बेटा बताइए कौन से दो खाते इफेक्ट करते हैं. हमने राम को 100 रुपए दिए, वही की वही सिचुएशन है, 100 रुपए राम को पकड़ाए. कौन से दो खाते बनेंगे, एक तो राम का और दूसरा कैश अकाउंट. राम होता है आपका पर्सनल अकाउंट और कैश होता है आपका रियल अकाउंट, है ना. पी फॉर पर्सनल अकाउंट, लिख दो यहां पे पर्सनल और आर फॉर रियल. मैं चाहूं तो राम से सवाल को कर सकता हूं जैसे कि मैंने पहले किया है, लेकिन फिर मैं सीखूंगा कैसे दूसरा मेथड. अब कि हम कैश को पकड़ के चलते हैं. इसको पकड़ के कैश पकड़ो, कैश को. अगर कैश कम्स इन है इस वक्त, इस वक्त, इस वक्त, अभी कैश तो आता भी रहता जाता है, मतलब इस बात की बात करो, इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे कैश आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तब तो कैश को कर दो डेबिट. और अगर इस वक्त कैश बिजनेस से गोज आउट, बाहर जा रहा है, तो कर दो इसको क्रेडिट. अब बताइए कैश आ रहा है कि जा रहा है, सोचो. देखो जब हम राम को 100 रुपए देंगे तो राम तो पैसे लेके चला जाएगा, तो बिजनेस से कैश गया कि बिजनेस में कैश आया. गया तो गया है, तो कैश को मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट. और जब ये क्रेडिट होगा तो बेटा दूसरा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा. तो देखिए क्या करेंगे एंट्री, इसमें डेबिट तो करना पड़ेगा राम को, तो एंट्री बनेगी राम्स अकाउंट डेबिट. राम्स अकाउंट डेबिट और कैश वाले को दो अक्षर छोड़कर तीसरे से टू कैश अकाउंट 100 रुपीज 100 रुपीज. और नरेशन तो वही की वही बनेगी, पे पे कैश पे टू राम, पेड कैश टू राम या कैश पे टू राम, एक ही बात है. पेड कैश टू राम, हमने राम को कैश दे दिया, वही का वही. इसमें राम डेबिट, इसमें राम डेबिट, इसमें कैश क्रेडिट, इसमें कैश क्रेडिट, कुछ भी तो फर्क नहीं. क्या किया मैंने, सेम सिचुएशन को पहली बार उधर से करके देखा, दूसरी बार इधर से करके देखा, बस दो तरीके से चेक करके देखा कौन से तरीके से ठीक बैठता है. दोनों में सेम आ रहा है. आगे दो मेथड समझ में आ गए. अब हम चलते हैं तीसरे मेथड पर, जिसका मतलब है लाभ या हानि जानने के लिए, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए. ठीक है, इसका रूल है बेटे, इसका रूल है डेबिट ऑल दी, थोड़ा सा आगे से लिख दूं, इसको मिटा दूं, यहां पे थोड़ा सा चल जाएगा, ये लिख, यहां पे हो जाएगा डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. Credit all the incomes and gains. क्या रूल है भाई, अगर खर्चा हो या लॉस हो, हानि हो, तो डेबिट कर देना. क्या कहा मैंने, अगर खर्चा हो लॉस हो तो डेबिट कर देना, अगर इनकम हो या प्रॉफिट हो तो भाई क्रेडिट कर देना. किसको, सबको नहीं, नॉमिनल की बात कर रहा हूं मैं. याद आया टोकरी वाली बात, टोकरी से जितनी सही छटाई करोगे सवाल आपका उतना ही सही बैठेगा.
गलत छटाई करोगे तो पता ही आपको क्या होगा। ठीक है बेटा, इसमें क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। ओके अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल पेड सैलरी टू रा रुपीज 100, हमने राम को 100 रुपए सैलरी के दिए, पेड सैलरी टू राम 100 रुपीज। राम हमारे यहां नौकरी करता है, राम ने तनख्वाह मांगी, हमने तनख्वाह दे दी, कौन कौन से खाते बनेंगे लगाओ आइडिया। पहला खाता बनेगा, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं बेटे, है थोड़ा जगह की कमी है, यहां पर कर दो बेटे, समझना ही तो है आपको। हमने राम को दिए तो कौन कौन से खाते बनेंगे, एक तो राम का खाता, ठीक है मान गए, दूसरा कैश का खाता, ठीक है बेटा, और तीसरा तीसरा बनेगा सैलरी का खाता। यस, हमने राम को 100 रुपए सैलरी दी तो एक राम का खाता बन गया, एक कैश का खाता बन गया, एक सैलरी का खाता बन गया। ठीक है, राम मेरा पर्सनल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, सैलरी मेरा नॉमिनल। अरे वाह, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक जगह इकट्ठे हो गए बेटा, तीनों अकाउंट आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, चलिए हम राम का बनाएंगे, कैश का बनाएंगे और सैलरी का बनाएंगे। देखिए बच्चे, कभी थ्री व्हीलर में बैठ के आयो? बिल्कुल आयो। थ्री व्हीलर से जब उतरे, आपने किराया दे दिया जो भी 10 रुपए 20 रुपए है, ठीक है ओके। थ्री व्हीलर वाला आपसे नाम पूछेगा आपका, भैया आपका नाम क्या है? नहीं, और पूछ बैठे तो क्यों, आपको क्या मतलब है उससे पूछे, कहेंगे आपका किराया देना था, मैंने किराया दे दिया, बात खत्म, आपका मेरा यही रिलेशन था, आप मुझे बैठा के ले आए, मैंने आपका किराया भाड़ा दे दिया, बात खत्म हुई। रोज हम थ्री व्हीलर में जाते हैं, एक दिन क्या हुआ कि गलती से पैसे नहीं रहे, ठीक है, जब देखा तो पैसे नहीं है तो थ्री व्हीलर वाले को कहा अंकल कल दे दें आपके पैसे, आज पैसे रहेंगे, चलो बेटा कल दे देना। जैसे जाने लगे, बेटा आपका नाम तो बता दो। क्यों नाम क्यों बताऊं? अरे अच्छे हो, पैसे भी नहीं दे, अरे भाई दे, तुम कल को ना हो तो मैं किसी को कहूंगा, सही यार इधर वो बच्चा आता था, भला कौन बच्चा, अरे नाम तो बता, तो कुछ तो मुझे पता होना चाहिए, तब तो पूछ सकते हैं ना, और आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी से कैश ले लेते हैं या कोई चीज कैश दे देते हैं तो हमारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। हम राशन की दुकान पे गए, पैसे दिए, माल ले लिया, दैट्स ऑल, वो मुझे जानता नहीं, मैं उसे जानता नहीं। लेकिन अगर मैं उधार खरीदूं तब तो वो मेरा नाम जानेगा ना कि आप कौन है, कहां से हो, फोन नंबर दो, है कि नहीं, पहले तो देगा ही नहीं, और देगा भी तो पहले कंफर्म करेगा, है कि नहीं बच्चे। इसी तरह से बेटे, आपने राम को तनख्वाह दी, किसको दी? राम को। राम क्या है? कर्मचारी। ओके, तनख्वाह दे दी, उल्टे लेने उससे नहीं, क्यों? अरे वो तो उसकी तनख्वाह है, वो तो उसकी सैलरी है, वेतन है, तो जब वो वेतन लेके जाएगा तभी तो अपना घर चलाएगा। तो बेटा इसका मतलब है ये पैसे उल्टे नहीं आने। दूसरी बात, आपने राम को नहीं दिया, आपने कर्मचारी को दिया है, यहाँ पे चाहे राम हो चाहे श्याम हो चाहे मोहन हो, आपने तो सैलरी दी है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया। ठीक है, तनख्वाह तो व्यक्ति को ही देनी पड़ेगी, दीवार को थोड़ा दे सकते हो, जानवर को थोड़ा दे सकते हो, जानवर भी तनख्वाह लेते हैं। हाँ, जो फौज में आर्मी में जो डॉग होते हैं तो वो डॉग जो होते हैं उनको भी वेतन सैलरी मिलती है बेटे, रिटायरमेंट होती है, जो व्यक्ति उसको पालता पोसता है बाद में बुढ़ापे में भी पालता है उसको बकायदा पैसे मिलते हैं, तनख्वाह उसकी या पेंशन उसकी
मिलते आदमी को है, क्योंकि जानवर को कैसे दिया जाएगा, जानवर क्या जाने पैसे को, है कि नहीं बेटा। इसलिए देख गौर करें तो हम सैलरी राम को देंगे तो यहां पर राम का अकाउंट नहीं बनेगा बच्चे, बिल्कुल नहीं बनेगा। समझ में आई बात? क्योंकि हमने राम को सैलरी दी है तो मेन चीज तो सैलरी है ना कि राम। सैलरी एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक पूछता है मैनेजर से, मैनेजर क्या करा खर्चे का? सर मैंने इतनी तनख्वाह राम को दे दी, इतनी शाम को दे दी, इतनी मोहन। अरे छोड़ इन बातों को, मुझे सिर्फ ये बता दे मैंने इतनी तनख्वाह दे दी, मुझे क्या मतलब है राम है श्याम है मोहन, मुझे तो सैलरी से मतलब है। तो इसलिए यहां पर सैलरी है तो दो खाते बनेंगे बेटा, अब कैश और सैलरी। अब मैं कैश से भी सवाल को कर सकता हूं, लेकिन मुझे तो जान के सिखाना ही नॉमिनल है, तो पकड़ो नॉमिनल में किसको पकड़ोगे, सैलरी को। नॉमिनल तो सैलरी है ना, इसको पकड़ लो। अगर सैलरी इस वक्त एक्सपेंसेस या लॉस है तो डेबिट कर दो, और अगर सैलरी इनकम है या गेन है तो क्रेडिट। किसके लिए खर्चा, किसके लिए इनकम? बिजनेस के लिए। अगर जिस बिजनेस के खाते बना रहे हैं उस बिजनेस के लिए इनकम है तो क्रेडिट करो, उस बिजनेस के लिए खर्चा है तो डेबिट करो। सैलरी कौन लेके जाएगा? राम। राम क्या कहेगा? ओ बल्ले बल्ले, राम को तो इन पैसे मिल गए तो राम तो खुश हो जाएगा, तो राम तो प्रॉफिट होगा। लेकिन बात बिजनेस की है, बिजनेस को क्या होगा? बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसलिए क्या होगा? ओहो डेबिट होगा फिर तो। क्या डेबिट होगा? सैलरी। तो क्या एंट्री बनाएंगे बच्चे यहां पर? यहां पे बनाएंगे सैलरी अकाउंट डेबिट और टू, दूसरा क्या बच गया? कैश अकाउंट। नरेशन, नरेशन क्या लिखेंगे? पेड सैलरी टू राम। ये जो नरेशन के अंदर राम लिखा है ना, कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ याद करने के लिए है। कल को पूछ बैठे सैलरी टू कैसे किस बंदे को दिया, तब याद है जी राम को दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, राम को दी थी। फिर मोहन को देगे तो तब भी सैलरी टू कैश लिखा जाएगा। किसको दिया? ब्रैकेट में मोहन लिखा। ब्रैकेट का मतलब सिर्फ याद करने के लिए है, कुछ एंट्री नहीं है ये, ठीक है बेटे? क्या इसी पॉइंट को मैं इससे कर सकता था? हाँ, किसको पकड़ूं? फिर कैश को पकड़ूंगा। क्यों बोला? क्यों? क्योंकि रियल तो जो है कैश है, सैलरी थोड़ा है, तो कैश को पकड़ो। अगर कैश कम्स इन है इस वक्त हमारे व्यवसाय में आ रहा है तो डेबिट कर दो, अगर हमारे व्यवसाय से जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। अब बताओ क्या हुआ है, कैश आया है कि गया है? कैश आपका इस वक्त जा रहा है, क्योंकि राम को तनख्वाह दोगे तो बिजनेस से कैश जाएगा, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो देखिए क्रेडिट ही तो हुआ है। क्रेडिट वाले को क्रेडिट नहीं लिखते बेटे, ये कुछ हमारे तरीके हैं, अकाउंट्स में ये चलता आ रहा है तो हमें भी यही फॉलो करना पड़ेगा। क्रेडिट वाले को टू बोल देते हैं, जब टू लिख दिया तो वो क्रेडिट समझना है, जो टू लिखा है ना उसी को क्रेडिट समझना है। डेबिट वाले को तो डेबिट लिखना है और बीच में इसके पीछे डॉट भी लगता है, और ऐसे करके 100 रुपीज जो भी है, ठीक है बेटा? लेक्चर बड़ा हो गया, मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं पे समाप्त कर दूं, फिर इससे और थोड़ा सा इसको अब आगे जो हम करेंगे जर्नल एंट्रीज तब अगले एंट्री। अब आपका आज का काम क्या है? तीनों रूल्स को पक्का कर लो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। लीजिए तीनों रूलों को पक्का कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख के रख लो फ्रंट में, बार बार दोहराते रहना। जैसे कोई परमात्मा का नाम लेते हैं तो कई बार कोई मंत्र दोहराते हैं ना शुरू में, बस ये मंत्र है, अकाउंट्स के मंत्र है, इन तीन मंत्र को याद कर लो। कब तक कर लोगे यार? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कितने दिन चाहिए बताइए? एक दिन बस दिया। अगले लेक्चर में हम इन क्वेश्चन इन्हीं तीन पर चलेंगे।